आपको इम्प्रूव करते जाना है। अगर आपके 300 आ रहे हैं तो आपके 400 भी आएंगे कभी ना कभी, फिर 400 या 500, 500 से 600, ये इम्प्रूवमेंट होता है। कोई भी इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल नहीं होता। मेरे भी पहले मॉक टेस्ट में 715 नहीं आए थे। नीट 2024 का एग्जाम 5 मई 2024 को होने वाला है। अगर हम अक्टूबर को मिलाएं तो आपके पास सिर्फ 7 मंथ्स का टाइम है और ये 7 मंथ आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। यस, ये बिल्कुल उस तरीके से है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे समय से आप 6 से पढ़ रहे हो, 8 से पढ़ रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, नहीं फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने आखिर के ये जो महीने हैं उसमें आपने क्या एफर्ट्स डाले, उसमें आपने कितनी बार चीज़ों को रिवाइज किया, कितनी बार चीज़ों को प्रैक्टिस किया, इस बात से फर्क पड़ता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है वो मेरा नवोदय का रूम है जिसमें मैंने अपनी तैयारी की है। और 11th मैं नवोदय में ही था, 12th में फिर कोविड आया, फिर घर पे शिफ्ट होने पड़ा। ओके, एंड ये जो आप रूम देख रहे हो दैट इज़ माई करेंट रूम जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। सो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये नीट आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंड आपको इन 7 महीनों में कोई भी गलती नहीं करनी है। सो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि आपको इन 7 मंथ में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इसको प्लान करना है कि ऐसा ना हो कि लास्ट में कुछ रह जाए या फिर आपको लगे यार काश ये पहले समझ लिया होता या फिर ये चीज़ पहले से पता हो जाती। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीट 2024 कंप्लीट रोड मैप। एंड मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो आई एम दीपक साहू, ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021 एंड माई स्कोर वॉज 715 आउट ऑफ 720 एंड करेंटली आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अपने इन 7 मंथ्स को किस तरीके से डिवाइड करना है तो एक्चुअली क्या है, मैं इस 2-फेज स्ट्रेटेजी में बिलीव करता हूं, मैंने यही फॉलो की थी कि सबसे पहले क्या होता है, आपका भी सिलेबस वाला फेज चल रहा है जो आपका अक्टूबर से जनवरी तक चलेगा। यानी कि इस फेज के अंदर आपको सिर्फ अपने सिलेबस को स्ट्रेंथन करना है, अपने चैप्टर्स जो भी आप पढ़ते जा रहे हो उसको पढ़ते जाना है, पुराने चैप्टर्स जो वीक है उनको भी स्ट्रेंथन करते चलना है। सो इस तरीके से ये आपका सिलेबस फेज है। फिर आता है एक मॉक टेस्ट वाला फेज। सो मॉक टेस्ट वाला फेज के लिए मैंने आपको 3 मंथ असाइन किए हैं। उन 3 महीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस और रिवीजन करना है, मतलब आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट की बेसिस पे चीज़ों को रिवाइज करना है। जब आप इस तरीके से करोगे ना कि एक सिलेबस फेज एंड हुआ, जैसे जनवरी दिसंबर जनवरी में आपका सिलेबस फेज एंड हुआ, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, एंड देन आफ्टर आपने अपने आपको 3 महीने दिए, हो सकता है किसी का सिलेबस लेट हो फरवरी तक हो, तो एटलीस्ट उसको 2 महीने मिलेंगे मॉक टेस्ट और रिवीजन करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो नीट 2024 का एग्जाम होने वाला है वो 5 मई को होने वाला है। ओके, सो अगर हम मंथ वाइज चीज़ों को प्लान करें, सो ये जो आपका अक्टूबर चल रहा है, अगर मैं फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बताऊं तो आप इसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री और बायो का भी सोच सकते हो, ठीक है। फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बता दूंगा तो इस महीने के एंड तक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पोर्शन, जो आई गेस काफ़ी टाइम से चल रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो खत्म हो जाना चाहिए इस महीने के एंड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म AC। एंड नवंबर दिसंबर में आपको एटलीस्ट ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को खत्म करना है। ओके, क्योंकि काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। सो नवंबर एंड दिसंबर में आपको ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को खत्म करना है। एंड इंटरेस्ट मैंने आपको इस तरीके से चीज़ों करनी है क्योंकि अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन 3 महीनों में आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर बहुत ज़्यादा फोर्स करना है। आप चाहे लेक्चर्स के थ्रू लो, अपनी क्लासेस के थ्रू लो, अपने चाहे मॉड्यूल्स के थ्रू करो, जस्ट डू बाय एनी मीन्स जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होता है, आपने 1-2 बार चीज़ें पढ़ी रखी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। ओके, सो जनवरी में आपको क्या करना है, जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है, जैसे किसी का सेमीकंडक्टर छूट गया या फिर पहले कभी कोई चैप्टर छूट गया था, तो वो सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स वगैरह जो छूटे हुए हैं जिसके लिए कभी टाइम नहीं मिला, हो सकता है किसी का SHM छूटा हो क्योंकि वो अक्सर रह जाता है, सो ये जो सारे टॉपिक्स वगैरह है वो आपको कब करना है, जनवरी में आपको एक अलग से 1 महीना लगाना है जिसमें आपको सारे वो टॉपिक्स करने हैं। ओके, एंड ये जो आपका फरवरी मार्च अप्रैल है वो आपका मॉक टेस्ट एंड रिवीजन वाला फेज है जिसपे हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज अभी आपका सिलेबस फेज चल रहा है। तो जब ये वाला टाइम आएगा फरवरी मार्च अप्रैल का, तब मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है और किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करना है अकॉर्डिंगली। ओके, अब मैंने मंथली चीज़ों को प्लान कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्शन, ठीक है। अगर आप जितना भी प्लान कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने चाहे सालों का प्लान कर रखा होगा, एक एक दिन, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आज के दिन पे क्या कर रहे हो, मतलब आपने आज के दिन पे चीज़ें क्या प्लान की और आप आज के दिन पे कितना एग्जीक्यूट कर पाए अपने प्लान को। सो मैं क्या करता था, मैं अपने हर दिन का एक डेली प्लान बनाता था कि एक रफ आइडिया रहता था कि आज इस बुक से इतने क्वेश्चन लगाने हैं या फिर ये वाला चैप्टर रीड करना है NCERT से या फिर बायो की ये वाले 2 चैप्टर्स खत्म कर लेने, तो एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपको भागने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते जाना और ऐसे सब जल्दी में खत्म कर लेना, आप
आपको कुछ नहीं आया, मतलब आपने 5-10 चैप्टर्स पढ़ लिए एंड आपको उनमें से कुछ नहीं आता बिकॉज आप सिर्फ उसे कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए थे. तो सीखना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका फिर टाइम ही वेस्ट होगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपने दिन को प्लान करना, ठीक है. तो मैं ऐसा करता था, सोने के बाद 1-2 घंटे, मतलब 3 घंटे का, 2-3 घंटे का मार्जिन लेता था, उसमें बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता था, रोज पढ़ता था, ठीक है. सुबह बायो की एनसीईआरटी रोज पढ़ता था क्योंकि सुबह चीज़ें काफ़ी सही याद होती हैं, ओके, एंड आपको एकदम अच्छा फोकस भी होता है, ठीक है. और बायो की एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन सारे पैराग्राफ सारी चीज़ें एकदम मार्क वगैरह अगेन अगेन रिवाइज करता रहता था, वो मैं सुबह करता था. फिर आता है एक पोस्ट मॉर्निंग वाला पीरियड, जिसमें आप समझ सकते हो ब्रेकफास्ट के बाद, ऐसे समझ लो कि 10-12 बजे या फिर 10 से लेके 1 बजे तक, ऐसा पोस्ट मॉर्निंग समझ सकते हो. उसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, आप भी पढ़ सकते हो. आफ्टरनून में एक्चुअली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करता था, जो भी प्रैक्टिस वाला काम होता था, चाहे वो बायो के क्वेश्चंस लगाना हो, फिजिक्स के तो मेनली न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस ही करनी होती है, या फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का वो रहता था ना, वो आप अपने आफ्टरनून को दे दो, क्योंकि आफ्टरनून में आती है बहुत ज़्यादा नींद. तो नींद को भगाने के लिए एक टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आप कोई किताब पढ़ने बैठोगे, सही बताऊँ, आफ्टरनून में जैसे आप कोई किताब पढ़ने बैठोगे, आपको डेफिनेटली नींद आने लगेगी, ओके. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप आफ्टरनून को ज़्यादा बेटर यूटिलाइज करने के लिए आप उसमें क्वेश्चन डाल दो, प्रैक्टिस डाल दो कि मुझे ये वाला 20 क्वेश्चन लगाने या फिर ये वाली पूरी डीपीपी खत्म करनी, इस तरीके से, ओके. इवनिंग में मैं क्या करता था, सेल्फ टेस्ट लेता था, जैसे कोई सेल्फ टेस्ट ट्राई किया या फिर कोई पुरानी चीज़ रिवीजन की, जैसे फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते पहले जो चीज़ पढ़ा था, या फिर इनऑर्गेनिक के नोट्स पढ़ लिए. इस तरीके से जो रिवीजन वाला पोर्शन है ना, जो पुराना रिवीजन वाला, वो आप इवनिंग को दे दो, ओके. एंड जो भी कोई पेंडिंग वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हर दिन का प्लान होता है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जो रह जाएगा वो आप अगले दिन के शाम वाले पेंडिंग वर्क वाले सेक्शन में डाल देना, ओके. सो मैं आपको बता दूं कि आपके पास 24 आवर्स होते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है, उसमें से 4-5 आवर्स की आपकी क्लासेस, अगर मैं मान लूँ कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या फिर ऑफलाइन क्लासेस भी 4-5 आवर ही होती है मैक्सिमम, मुझे पता है, ओके. सो 4-5 आवर्स की आपकी क्लासेस हैं, बाकी आपके पास जितना भी टाइम बचा, जितना भी आप डिवोट कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो, ओके, वो आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हैं. और मैं सही बताऊँ, जो रैंक आती है वो सेल्फ स्टडी से आती है, टीचर्स कोचिंग से कभी ऐसी रैंक नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं. सही बताऊँ, जो रैंकिंग है, जो मार्क्स आते हैं, हाईएस्ट स्कोर, वो सिर्फ आते हैं सेल्फ स्टडी. आप खुद को कितना, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, सही बताओ, मैं भी आपको उतना नहीं जानता, आपके टीचर्स भी आपको उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे, सिर्फ आप हो जो खुद को उतने अच्छे से जानते हो, तो आप ही खुद को सुधार सकते हो, खुद को आगे लेके जा सकते हो. इसलिए सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, जो बहुत से स्टूडेंट नहीं समझते, उनको लगता है क्लासेस अटेंड कर लिए, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया. नहीं यार, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला, भूल जाओ. ओके, सो द ओनली टास्क यू हैव इज टू स्टडी. सही बताऊँ, आपके पास कोई काम नहीं दुनिया का. आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि इसराइल ने हमला किया पैलेस्टीन पे, आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि अभी वर्ल्ड कप में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. इट्स ओके, जस्ट लीव ऑल दीज थिंग फॉर समथिंग. क्योंकि सही बताऊँ, मैंने भी कोई मतलब नहीं रखा था दुनिया से, या फिर मुझे कोई मतलब नहीं था कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है या फिर रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं. नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. मैं अपने ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं करता था, सिर्फ 1-2 दोस्तों से बात करता था, क्योंकि मुझे पता था अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो है नीट प्रिपरेशन. फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोविड है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आसपास है, इतनी सारा हैक्टिक वो चल रहा है, लेकिन स्टिल आई वॉज जस्ट फोकस ऑन माई स्टडी, बिकॉज मुझे पता था कि ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है, हमें बस फोकस करते जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा डेफिनेटली. तो जब वो होगा तब आपको परफॉर्म करना आना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो आपके पास सिर्फ एक ही काम है, वो है अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को तैयार करना अपनी नीट एग्ज़ाम के लिए. और मैं मानता हूँ कि आप इस काम को बखूबी करोगे, ओके. कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज रिवीजन, स्लीप एंड फूड. मैं आपको बता दूँ, चीज़ें रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. और सही बताऊँ, अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ें भूल जाते हो, तो सही बताऊँ, हर कोई भूलता है, इवन मुझे भी कई बार चीज़ें याद करनी पड़ती थी. बायो भी बहुत सारी चीज़ें थी जो भूल जाते हैं, मैं हर बार सोचता था इतनी बार पढ़ चुका हूँ फिर मैं क्यों भूल जा रहा हूँ यार, मतलब नहीं भूलना चाहिए. बट स्टिल इट्स अ ह्यूमन नेचर, भूलना एक ह्यूमन नेचर होता है. तो हमें चीज़ों को रिवाइज करना है. मैं करता था वीकली रिवाइज, तो आप वीकली रिवाइज कर सकते हो. यानी कि आप सैटरडे संडे को जो भी आपने पूरे हफ्ते भर पढ़ा है उसको ऐसे ऊपर से देख लो. रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को फिर से डिटेल में ही देखो. अगर आप ऊपर से भी चीज़ें देख लेते हो, ऊपर से भी 1-2 क्वेश्चन लगा लिए, या फिर जो पहले क्वेश्चन लगाए थे उसको ट्राई कर लिया, या फिर जो भी एनसीईआरटी का जब से लिविंग वर्ल्ड पढ़ा तो लिविंग वर्ल्ड ऐसे पलटा लिया, उसमें जो मार्किंग थी वो देख ली, तो भी रिवीजन काफ़ी अच्छा हो सकता है. क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में एक इंप्रेशन पड़ रहा होता है, और आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में इंप्रेशन पड़ता जाएगा, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी. एंड जब वो क्वेश्चन सामने आएगा आपके,
तो डेफिनेटली वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी एंड डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप सही कर दोगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अनदर थिंग इज दैट स्लीप. बहुत से लोगों को लगता है कि हम स्लीप में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे एंड डेफिनेटली हमारे पास ज्यादा टाइम हो जाएगा, बट मैं बताऊं कि उनका फिर फोकस, कंसंट्रेशन, उनकी जो याद करने की एबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है. एक स्टडी से जब आप MBBS करोगे तब आपको पता चलेगा कि स्लीप आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है. स्लीप आपकी लाइफ में रोल प्ले करती है जो कुछ भी आपके दिन के इवेंट्स होते हैं उन सबको एक टाइप से सेटल करना. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिन में जो भी रिवाइज कर रहे हो अगर आप एक प्रॉपर नींद लेते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको याद हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपकी ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करना सीख रहा है. बट अगर आप सो नहीं रहे हो, आप कम सो रहे हो, सो डेफिनेटली आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा. सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कितना सोना है, 7 to 8 hours, ना कम ना ज़्यादा. That is perfect. My simple formula is that 7 to 8 hours आपके एज ग्रुप के लिए, हमारे एज ग्रुप के लिए इज परफेक्ट. ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज फोन. देखो यार, मैं सही बताऊँ ये मौका बार बार नहीं आता, हर किसी के पास ऐसा मौका नहीं होता, हर किसी को नीट का एग्जाम देने नहीं मिलता सही बताऊँ तो. ठीक है, एंड बहुत से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते या फिर बहुत से स्टूडेंट की ओके. सो द थिंग इज दैट आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसे बर्बाद कर दोगे सो फिर यू जस्ट हैव टू रेगुलेट. ओके, सो द थिंग इज दैट जो फोन है, मुझे पता है द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज फोन. फोन में आप इंस्टा चलाते होगे डेफिनेटली. ओके, बहुत से लोग BGMI खेल रहे होंगे अभी भी, उनका क्या पता मैच लगने वाला हो. सो वही मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट फॉर अ वाइल आप खेल लेना यार, आप इंस्टा स्क्रॉल कर लेना, रील्स वगैरह कॉलेज में आके कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा, फ्री है. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है, बट आपके पास स्टिल आपके लिए टाइम होता है. सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब कर लेना, कॉलेज में बहुत कुछ है करने के लिए. बस अभी के लिए आप इस बात को समझो कि इस समय की इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, अभी का सेक्रीफाइस इज द फ्यूचर फ्रूट. ओके, सो विद दीज वर्ड आई जस्ट वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो. आई होप सो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी. एंड मैं आपको बता दूँ, मेरे टीचर कहते थे टू बिलीव इन यू इज टू बिलीव इन गॉड एक्चुअली. सो अपने आप पे भरोसा रखना. बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता या फिर मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके. बट द थिंग इज दैट आपको इंप्रूव करते जाना. अगर आपके 300 आ रहे हैं तो आपके 400 भी आएंगे कभी ना कभी, फिर 400 या 500, 500 से 600, ये इंप्रूवमेंट होता है. कोई भी इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल नहीं होता. मेरे भी पहले मॉक टेस्ट में 715 नहीं आए थे, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर ले जाऊंगा. बट ये था, मैं ये सोचता था कि मुझे कल से अच्छा करते जाना है, मुझे कल से और बेहतर करते जाना है, जो कल गलतियां की उसको आज नहीं करना है. सो मैं खुद को बस ये सोचता था कि मुझे बस करते जाना है, मुझे ये नहीं सोचना है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रैंक आएगी कि नहीं आएगी, एम्स दिल्ली जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं ये सब नहीं सोचता था. मैं बस ये सोचता था कि मुझे करते जाना है, जो टास्क बनाया उसको कंप्लीट करना है, मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ. तो जस्ट फोकस ऑन योर वे, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन. अपने रास्ते पे ध्यान दो, फर्क नहीं पड़ता कि आपका आपको लक्ष्य पहुंच ही जाओगे डेफिनेटली. सो विद दिस वर्ड आई जस्ट वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप सो कुछ और वीडियोज भी आएंगे इसी सीरीज में. ओके, जिसमें हम कुछ और ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो.